हेलो दोस्तों, मैं काजल आपका वेलकम करती हूँ सच्ची कही बातें पर। और आज हम ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपके दिलों को छू जाएगी, तो इसे एंड तक जरूर सुने और कमेंट बॉक्स में हमें बताना मत भूलिए कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। निष्ठा को पिंक शिफॉन की साड़ी पहनते हुए देख मम्मी बोली, कितनी सुंदर साड़ी है। मम्मी की बात का जवाब देते हुए निष्ठा बोली कि सिर्फ साड़ी ही सुंदर है या पहनने वाली नहीं। बेटी की बात सुन रमा जी बोली, क्यों मेरी बेटी किसी से कम है क्या, बड़ी प्यारी लग रही है। निष्ठा बोली, हर माँ को अपनी बेटी सुंदर और प्यारी ही दिखाई देती है। दुनिया की नज़रों में तो मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरा सांवला रंग देख कर कोई भी मुझसे शादी नहीं करना चाहता, सब रिश्ता ठुकरा कर चले जाते हैं। अब मैं थक चुकी हूँ, ये तो आपके और पापा की इज्जत के लिए मैं तैयार हो रही हूँ, मैं तो शादी ही नहीं करना चाहती। निष्ठा की मम्मी बोली कि दुनिया में ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो गुणों की कद्र भी जानते हैं और तुम सचमुच बहुत प्यारी हो। निष्ठा एक सांवली पक्के रंग की लड़की थी, लेकिन सुंदर नयन नक्श थे। पढ़ाई में अव्वल उसके रंग को देख सब उसका मजाक बनाते थे, यहाँ तक कि उसकी अपनी भाभी भी। इसलिए निष्ठा का आत्मविश्वास थोड़ा सा कम होने लगा, लेकिन अपनी माँ और प्रिय सहेली नेहा से प्रोत्साहन पाकर वो पढ़ाई में आगे बढ़ने लगी और पढ़ लिख कर साइंस टीचर बन गई। वो इंजीनियर बनना चाहती थी, लेकिन बाहर से के लोगों से ज़्यादा मिलने से डरती थी, क्योंकि अपने रंग को लेकर उसमें हीन भावना थी। आज निष्ठा को देखने अखिल अपने परिवार के साथ आ रहा था और उसकी चाची के दूर के रिश्तेदार का बेटा था। निष्ठा यही सोच रही थी, आज भी उसका तमाशा बनेगा, फिर भी परिवार की इज्जत के लिए चुप थी। लड़के वाले आ गए और निष्ठा की अपनी भाभी भी अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। चाय नाश्ते के बीच ही निष्ठा को बुलाया और अखिल की माँ ने भी बहुत प्यार से उससे बातें की। अखिल की भाभी और छोटी बहन ने भी उससे बहुत सी बातें की। अखिल ने तो इतना ही पूछा कि कौन से सब्जेक्ट पढ़ाती हैं आप। निष्ठा ने भी बड़े सीधे साधे शब्दों में सबकी बातों का जवाब दिया। अखिल का परिवार जब चलने लगा तो निष्ठा की मम्मी ने पूछ ही लिया कि आपको हमारी बेटी पसंद है, कैसी लगी आपको हमारी बेटी। तो अखिल की मम्मी बोली कि बेटी बहन जी, बिटिया तो सब अच्छी और प्यारी होती हैं, ये कोई फल सब्जी तो नहीं जिसमें पसंद और नापसंद की बात की जाए, रिश्ते संजोग से होते हैं। मैं भी दो बेटियों की माँ हूँ, आपके दिल की बात समझती हूँ। वैसे अखिल ने तो इशारों इशारों में हाँ कर ही दी है, आप भी अपनी सलाह फ़ोन पर बता दीजिएगा और निष्ठा बिटिया से भी पूछ लीजिएगा। मैं तो घर जाकर ही आपको बताना चाहती थी, लेकिन फिर भी आपकी व्याकुलता देखकर यही सब बता रही हूँ। सच कहूँ तो आपकी बेटी बहुत अच्छी और नेक है। निष्ठा को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर अखिल की माँ की बात याद आ गई और कि रिश्ते तो संजोग से होते हैं, और उनकी कही हर बात उसे बहुत अच्छी लगी और उसने भी प्रण कर लिया कि वो भी एक अच्छी बहू बनेगी और अपने गुणों से सबका दिल जीत लेगी और अपनी सासू माँ की अच्छाइयों से सीखने की कोशिश करेगी। तभी उसकी मम्मी आ गई तो निष्ठा बोली, माँ तुमने सच ही कहा था कि दुनिया में बहुत अच्छे इंसान भी हैं जो सिर्फ तन का रंग नहीं गुण और मन की सुंदरता भी देखते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी, हमें ज़रूर बताइए। और सच ही कहा है कि रिश्ते संजोग से होते हैं, ना हमारे चाहने से होते हैं और ना हमारे ना चाहने से। तो सुनते रहिए सच्ची कही बातें की स्टोरीज, मैं लेकर आती रहूँगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।